हवारियों को अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम अपने अदारों से और डीपीओ ढंग से कि जो ढंग से लेकर जो 18 तारीख तक धरने दिए गए, रोड ब्लॉक किए गए और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फजूल बातें बकी गई, उनका सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप उन शोदा की फैमिली के सामने कैसे जा सकते हैं? आपके पास क्या अल्फाज है कि जिनके पास आज उन शोदा की मेमोरीज सिर्फ मेमोरीज मौजूद थी और आपने उनको भी मुस्कुरा कर दिया। जुल्म की इंतहा है कि आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और जो आपके मुहाफ़िज़ हैं आप उन पर हमलावर हो गए। कोई ऐसी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती जितनी इस दहशतगर्द जमात ने 9 मई 2023 को किया। अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़ी रही है, वो हमारी बुनियाद है और हम शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़े हैं। पहले वो आपके मुहाफिज थे, मैं ये बात कर रहा हूं इस दहशतगर्द जमात के लिए कि 9 मई 2023 को आपने जितनी सख्ती पाकिस्तान फौज के साथ की उनमें से एक जवान ने रिटेलिएट नहीं किया। मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूं कि ये रेड लाइन है जो आपने क्रॉस की है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया, हम आपकी आंखें निकाल देंगे। आप डंडों के साथ आएंगे, हम डंडों के साथ आएंगे। आप गोली चलाएंगे, आपको जवाब गोली से मिलेगा। ये बिल्कुल रवैया नहीं देखा जाएगा। पाकिस्तान फौज सरहदों की हिफाजत करती है, हमारी तरक्की की जामिन है। जिसने पाकिस्तान फौज को कमजोर किया उसने पाकिस्तान को कमजोर किया, जिसने पाकिस्तान को कमजोर किया उसने इस कौम को कमजोर किया। ये बैरूनी ममालिक जो इस्लाम दुश्मन, जिसमें सरफरिस्त मैं समझता हूं भारत और इसराइल, ये उनकी मनसूबाबंदी है। हमें तो किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है जबकि इमरान खान न्याजी की शक्ल में इतना बड़ा दुश्मन अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है। अब आप ये झूठे आंसू निकाल रहे हैं और शर्म आनी चाहिए इंस्टेंट कि आप एक्सेप्ट करें कि आपकी दहशतगर्द जमात ने क्या किया है। आप आज भी पाक फौज पर ब्लेम गेम कर रहे हैं, आप उन पर इल्जाम तराशी लगा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है जिसमें आप रह रहे हैं? मुझे बताएं कि ये कायदे आजम ने मुल्क बनाया है कि जो आपके मुहाफिज हैं जिन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए, सियाचिन हो या रेगिस्तान हो। पिछले दो डेकेड से मैं समझता हूं पाकिस्तान अफवाज हालात जंग में है। कभी आपने ये देखा है कि वो जवान जिनके छोटे छोटे बच्चे वो यतीम हो गए, वो माएं, कभी आपने देखा है कि कितने लोग अपनी जवान हमारे पाक अफवाज के अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं ताकि आप आराम से चैन की नींद सो सकें अपने घरों में? काबिले शर्म बात है। ये कैसे लोग हैं, इनकी तरबियत क्या है? मैं समझता हूं कि इसके पीछे दुश्मन ममालिक का एजेंडा है और अगर आज इनका वक्त से पहले सर आप नहीं कुचलेंगे तो ये पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलेंगे। मेरी इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं अपने तमाम अदारों को कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने 9 मई 2023 में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।